इतनी बड़ी आज आपको पूरे प्रदेश में एक अलग स्थान मिला, क्या जी? मुझे, मैं सबसे पहले अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे, और मैं उन सभी विद्यार्थियों को यह कहना चाहूँगी जिन्होंने अपने मार्क्स मेहनत से गेन किए हैं, वे भविष्य में ऐसे ही मार्क्स गेन करेंगे। कैसा रहा सफर आपका, किन परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की, फिर उसके बाद आज ये मेरा सफर अच्छा रहा, पढ़ते हुए रहा। और क्या क्या है भविष्य में, क्या करना चाहिए? भविष्य में मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। और क्या बच्चों को क्या है, उसको लोग प्रोत्साहन के लिए क्या कहना चाहेंगी? और बच्चों को कठिन परिश्रम करते रहे, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्राची निगम है। इंटरमीडिएट में टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सफर आपका, परिवार की क्या स्थितियाँ है, क्या कहेंगे? हमारे माता पिता किसान है, उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए अनेक कठिन कार्यों से करके हमें स्कूल तक पहुँचाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए अच्छी फीस दी और अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जिससे एक्स्ट्रा क्लासेस अन्य माध्यमों से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। आपने इंटरमीडिएट की टॉपर आज है, और क्या बनना चाहेंगे भविष्य में, क्या सोच रखते हैं? आईएएस क्या कहेंगे करेंगे? आईएएस बनना चाहते हैं। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे? और बच्चों के लिए कहना चाहेंगे, अच्छा स्कूल चुने, अच्छे अध्यापक होंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। आज अपने हाई स्कूल में यूपी में थर्ड रैंक लाई है, क्या कहेंगी, कैसा रहा अनुभव, कैसा परिवार का क्या बैकग्राउंड है? सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब मेरा नाम नव्या सिंह है, मैं 98% मार्क्स हैं, अंतिम में थर्ड रैंक है, और मतलब मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर मेरे टीचर्स का बहुत रोल रहा है स्कूल में, सभी मोटिवेट करते थे और अच्छे से पढ़ाते थे, हम लोगों के डेली मॉर्निंग टेस्ट होते थे, जो भी गलतियाँ होती थी वो बताई जाती थी, और जो भी डाउट्स होते थे तो हम लोग टीचर सर से पूछते थे तो सर सॉल्व करते थे, और स्कूल में बहुत अच्छे से सारे टीचर्स पढ़ाते थे, और मैं इसका श्रेय टीचर्स को, अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगी। कौन सा स्थान आया और कितने लगभग नंबर आए? मेरा यूपी में थर्ड रैंक है और मेरे 98% मार्क्स हैं। बेटा क्या, कैसी रही परिवार की पोजीशन, कैसी कैसे पढ़ाई की पूरी? मेरे पापा टीचर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, मतलब मैंने पहले से मतलब ये था कि मतलब मुझे अपने टीचर्स को और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, तो पहले से ही मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि मतलब मुझे टॉप करना है, तो मतलब मैंने पहले से ही बनाई। क्या भविष्य में क्या सोचा है बनने के लिए? मैं SSC CGL की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ।